सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल के नाबाद 62 रन और केएल राहुल की तूफानी अर्धशतक के पारी की बदौलत किंग्स 11 पंजाब ने केकेआर पर डकवर्थ लुईस के आधार पर 9 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की है। पंजाब की ये 5 मैचों में चौथी जीत है। उन्होंने अपना एकमात्र मुकाबला आरसीबी के खिलाफ गवाया था। कोलकाता के इडन गार्डन्स में खेले गए आईपीएल के 18वें मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने निर्धारित 20 ओवर्स में 191 रन बनाए थे। जवाब में गेल और केएल राहुल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 8.2 ओवर में ही 96 रन बना लिए। चौकों और छक्कों की बारिश के बीच में आसमान से भी भगवान इंद्रदेव ने भी पानी के फुहारे छोड़ना शुरू कर दिया और मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। वर्षा बाधित मैच में डकवर्थ लुईस पद्धति के आधार पर इस मैच को 20 ओवर की बजाय 13 ओवर का कर दिया गया। अब किंग्स 11 पंजाब के सामने संशोधित लक्ष्य 125 रन का था। गेल और राहुल के सामने 28 गेंदों पर 19 रनों की आसान चुनौती थी, जिसका पीछा करने के दौरान केएल राहुल के रूप में केकेआर को एकमात्र सफलता मिली। सुनील नरेन ने उन्हें डीप मिड विकेट पर टॉम कुरैन के हाथों आउट करवा के वापस पवेलियन भेज दिया। इससे पहले क्रिस लीन और कप्तान दिनेश कार्तिक के साहसिक प्रदर्शन के बूते मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब के सामने निर्धारित 20 ओवर्स में 192 रनों का लक्ष्य रखा था। केकेआर की तरफ से क्रिस लीन और दिनेश कार्तिक के अलावा सिर्फ रॉबिन उथप्पा ही थे जो क्रीज पर टिक पाए। इन तीनों के अलावा केकेआर के सारे बल्लेबाज आयाराम गयाराम की तर्ज पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। मतलब ये हुआ कि वो खिलाड़ी आए तो पूरे जोर शोर के साथ थे, लेकिन मैदान पर कुछ खास नहीं कर पाए। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।